मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शासकीय हमीदिया अस्पताल में हुई घटना के बाद राजनीति गरमाने लगी है। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। देखें ये रिपोर्ट। दरअसल भोपाल के शासकीय हमीदिया अस्पताल के कोविड ब्लॉक में बिजली गुल होने से 3 लोगों की मौत का मामला सामने आने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में आ गए थे। जांच के साथ ही कार्रवाई के निर्देश भी उन्होंने दिए थे। तो वहीं इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई व नोटिस भी जारी किए गए। मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मंत्री सारंग ने मीडिया से चर्चा में कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की लाश पर राजनीति करने की आदत है। उन्होंने 13 महीने के शासन प्रशासन की याद दिलाते हुए बदतर स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार से राजनीति करने की बात कही। कांग्रेस के नेताओं की लाश पर राजनीति करने की आदत हो गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कुछ ऐसा नहीं करें जिससे एक वर्ग हतोत्साहित हो। डॉक्टर्स भी हतोत्साहित नहीं होने चाहिए। मैं फिर इंगित कर रहा हूँ, किसी की भी मृत्यु बहुत दुखद है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जो दोषी है उस पर हमने कार्रवाई की है, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पर मैं कांग्रेस के नेताओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि लाशों पर राजनीति ना करें। वो 13 महीने का शासन प्रशासन हमने देखा है, जब बस से बदतर स्वास्थ्य सेवाएं इस मध्य प्रदेश में थी। पीसी शर्मा जी हो या बाकी कोई मंत्री हो, केवल भ्रष्टाचार के माध्यम से राजनीति कर रहे थे। पत्र यदि वो उस समय किसी जनता के मुद्दे पर लगते तो ज्यादा अच्छा होता। मुझे लगता लाश पर राजनीति नहीं कर। मंत्री सारंग के मुताबिक जांच रिपोर्ट में सभी पक्षों की जांच की गई है, गैर जिम्मेदारी और लापरवाही होने की बात उन्होंने कही। उन्होंने जांच रिपोर्ट में सामने आई बातों का खुलासा भी किया। देखिए, जो जांच रिपोर्ट आई है वो पब्लिक डोमेन में भी है और उस रिपोर्ट में सभी पक्षों की जांच की गई। मुख्य मुद्दा यही था कि गैर जिम्मेदारी हुई है, लापरवाही हुई है, ये रिपोर्ट में भी आया है और इसीलिए कार्रवाई भी की गई है। इंजीनियर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है, क्योंकि ये जिम्मेदारी उस इंजीनियर की थी। मैंने कल भी बताया था कि 3-tier सिस्टम है, MPV से सप्लाई, वो यदि प्रभावित होती है तो जनरेटर, और जनरेटर से दिक्कत आती है तो मशीन का अपना खुद का बैकअप। जैसे घटना हुई, घटना के तत्काल बाद लगभग 5:58 पर लाइट जाती है और 15 मिनट में सभी डॉक्टर्स फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। और सबसे पहली प्राथमिकता यही रहती है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि बिजली जाने से किसी की भी स्वास्थ्य को लेकर विपरीत असर ना पड़े। वेंटिलेटर काम कर रहे थे। जांच रिपोर्ट में ये भी इंगित किया गया है, जो निष्कर्ष निकला है, कि लाइट आने के बाद भी हर विभाग के डॉक्टर्स ने जाकर ये जांच की कि इसके कारण किसी तरह की मरीजों के स्वास्थ्य में और गिरावट तो नहीं आई। और जांच में ये बात स्पष्ट हुई कि उसके कारण कोई गिरावट नहीं आई। मैं कल भी कह चुका हूँ, किसी की भी मृत्यु हम सबके लिए बहुत दुखद है, कारण कुछ भी हो, पर हम लोगों के लिए वो बहुत दुखद है। और जांच रिपोर्ट में ये बात इंगित किया गया है कि 7:05 के लगभग लाइट आ गई और उसके बाद जो पहली मृत्यु की सूचना है वो लगभग 10:45 है। यदि वेंटिलेटर के बंद होने से मृत्यु होती तो ये शायद उसी समय होती। मैं फिर कह रहा हूँ कि मृत्यु बहुत दुखद है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, परंतु इस घटना के कारण हुई है ऐसा जांच रिपोर्ट में कहीं भी इंगित नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ, मृत्यु होना बहुत दुखद है, हम कटिबद्ध हैं कि इलाज अच्छे से हो और इसीलिए इलाज कर रहे हैं। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है तो हमें ये बात ज़रूर सुनिश्चित करना पड़ेगी कि मेडिकल कॉलेज में टर्शरी केयर हमारा मेन मोटो है,
कोरोना को लेकर पूरे प्रदेश के रेफरल केस जो बाकी जगह बिगड़ जाते हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, और उसको भी हम पूरी मुस्तैदी के साथ हमारे डॉक्टर्स ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए और यही निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। मध्य प्रदेश में माफियाओं पर चल रही कार्रवाइयों को लेकर मंत्री सारंग ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश में कोई माफिया नहीं चलेगा, इसलिए सख्ती के साथ कार्रवाई की जा रही है। ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश में कोई माफिया नहीं चलेगा, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो। गुंडे बदमाश कानून को अपने हाथ में लेकर समाज के माहौल को बिगाड़ने वाले लोग, दादागिरी करने वाले लोग, ये मध्य प्रदेश में नहीं रहेंगे, और इसीलिए सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। और ये सुनिश्चित है कि मध्य प्रदेश जो शांति का टापू पहले हमारे शासन में था वो अभी भी रहेगा। 13 महीने में ये जरूर है कि इस मध्य प्रदेश की आबो हवा बिगड़ी है, इस मध्य प्रदेश में कालाबाजारी, भ्रष्टाचारी, मिलावटखोरों का साम्राज्य रहा है, पर अब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की इस मुहिम के बाद वो सब नेस्त नाबूद होंगे। बहरहाल देखा जाए तो हमीदिया अस्पताल में हुई घटना ने आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।